ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हमने आपसे कहा था कि जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जब आपको उसका एबायोटिक फैक्टर के रिस्पांस तक पढ़ा लेंगे, तो जितना हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ करा देंगे। तो आज हम उससे एबायोटिक फैक्टर के रिस्पांस तक पढ़ा चुके हैं, उसका क्वेश्चन करा देंगे। अगले लेक्चर में हम एडॉप्टेशन स्टार्ट कर देंगे इसी चैप्टर का। तो आज हम अभी तक एबायोटिक फैक्टर के रिस्पांस तक हम पढ़ा चुके हैं, उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना खुद का चैनल है ज्विटर कोचिंग। तो ये चैनल आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमें आपकी ज़रूरत भी है, आपके सहयोग की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसको आराम से पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद हाउ मेनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 1, 2, 3, 4। अब इसमें हम इस नाते कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ाते समय हमने आपको कराया था, बस इतना याद दिला दे रहे हैं। जहाँ हमने बताया था आपसे ऑर्गेनिज्म, जहाँ हमने आपसे बताया था पॉपुलेशन, जो इकोलॉजिकल हायरार्की में दिया है और एनसीईआरटी में बताया गया, 4 लेवल। कितने लेवल बोलो, 4 लेवल। इसको आप पढ़िएगा और क्वेश्चन देखिएगा, सही करिएगा। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद हाउ मेनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो 4 लेवल इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो आप पढ़ लीजिए और टिक करके वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको पता ही होगा, बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन फार। बुलबुल सुबह के टाइम में गाना, गार्डन में गाना गाती है, क्यों, क्योंकि खुद के, ऑप्शन पहला है खुद के लिए इंजॉय करना चाहती है, इंजॉइंग द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, जो उस एरिया में लोग रह रहे हैं वो उससे उसको इंजॉय कर रहे हैं, या लिखा है कि नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट, मतलब होता है पार्टनर मेट, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, मतलब रिप्रोडक्टिव सीजन में वो अपने पार्टनर की तलाश के लिए गाना गाती है। तो आंसर यही करेक्ट है और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और आपने इसको देखा भी होगा, यही कारण है। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए फिर से क्या लिखा, बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन फार, किस लिए, नीड टू कम्युनिकेट्स विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये करेक्ट आंसर है। आगे ये बायोम विद लीस्ट टेम्परेचर इज, अब आपको हमने बहुत तरीके के बायोम के बारे में बताया है, तीसरा क्वेश्चन, तो बहुत तरीके के बायोम के बारे में बताए हैं, तो उसने पूछा कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, बताइए डेजर्ट में टेम्परेचर सबसे कम होता नहीं, तो डेजर्ट में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रासलैंड में यहाँ बताया गया टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ भी, लेकिन डेजर्ट कंपेयर में थोड़ा कम हो सकता है लेकिन यहाँ भी ज़्यादा होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ टेम्परेचर कम तो होता है लेकिन पूछा लीस्ट सबसे कम कहाँ होता है, तो टुंड्रा में, कहाँ पर, पोलर रीजन पर, टुंड्रा मतलब पोलर, टुंड्रा या आर्कटिक रीजन की बात किया जाए, अंटार्कटिक रीजन की बात किया जाए, तो टुंड्रा पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा, बायोम विद लीस्ट टेम्परेचर इज टुंड्रा रीजन, कहाँ पर बोलिए, टुंड्रा रीजन। अब ये आपको फिगर दिया गया है, द फिगर शो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, फाइंड वेयर मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो कहा गया है ये जो तमाम तरीके के बायोम दिए गए हैं, जैसे डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफर फॉरेस्ट है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनिमम प्रेसिपिटेशन होता है, कहाँ पर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल आता है और रेनफॉल में भी रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों आता है, तो कम कहाँ होता है, तो मिनिमम ट्रॉपिकल में तो रेनफॉल ज़्यादा होता है। पहला आंसर ग्रासलैंड, डेजर्ट, अब पाइप, तो डेजर्ट में रेनफॉल क्या होती, कम होती है, मिनिमम तो डेजर्ट हो गया, एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल, रेनफॉरेस्ट मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा द फिगर शो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, फाइंड वेयर मिनिमम, जहाँ पर मिनिमम प्रेसिपिटेशन होता हो, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल है, तो डेजर्ट में रेनफॉल लो, सबसे कम, और ट्रॉपिकल रेनफॉल्स में रेनफॉल सबसे ज़्यादा, और प्रेसिपिटेशन में दो को इंक्लूड किया जाता है, रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों को मिलाकर। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको ये आंसर लगाना है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इनमें से पूछा कौन सा ऐसा बायोम है जिनमें मिनिमम मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम और मिनिमम करके पूछता
तब मैक्सिमम अगर पहले पूछता तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मिनिमम था डेजर्ट, लेकिन पहले क्या पूछा मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ होता है डेजर्ट में, और फिर मैक्सिमम कहाँ होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल होती है, उसके हिसाब से आंसर थर्ड जाएगा। लिखा इकोलॉजी विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब आप बताइए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी में दिया गया था, इकोलॉजी को अगर समझने की बात किया जाए और उसमें कुछ सर्वाइवल की बात किया जाए, तो वो फिजिकल सर्वाइवल की बात करता है कि फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल की बात। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लेवल पर हम लोगों ने बताया फिजियोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल हम लोगों ने पढ़ा था केवल और केवल सर्वाइवल की बात नहीं, तब हम मानेंगे जब उसमें रिप्रोडक्शन को भी क्या किया जाएगा इंक्लूड किया जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, लिखा इकोलॉजी विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट टू टर्म ऑफ सर्वाइवल, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे एडॉप्टेशन शो कर रहा है, तो उसका सर्वाइवल कैसा है, तो सर्वाइवल केवल उसका किस लेवल पर देखा जाता है, फिजिकल लेवल पर या फिजियोलॉजिकल, या पॉपुलेशन या कम्युनिटी, तो फिजियोलॉजिकल लेवल पर देखा जाता है। और फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल क्या मतलब होता है, केवल किसी इंडिविजुअल का सर्वाइवल या उसमें उसके रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, तो रिप्रोडक्शन को भी देखा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में ही सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन को भी जोड़ा जाता है, तभी सर्वाइवल माना जाता है, बेहतर सर्वाइवल माना जाता है कि कोई किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन ब्रीडिंग करके अपने नंबर को बढ़ा ले, तभी उसका सर्वाइवल बेटर माना जाता है। तो क्या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी आएगा इसमें। अब आगे देखा द मीन एनुअल टेम्परेचर इन आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन इन बिटवीन, यहाँ माइनस आप लगा लीजिए -10, तो -10 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये आंसर चला जाएगा आपका। इसको आपको एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मीन एनुअल टेम्परेचर इन आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा रीजन इन बिटवीन, तो -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हम लोग करेंगे। आगे स्कॉर्चिंग बायोम, अब बताइए हमें गर्म झुलसते बायोम कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, तो आपको नाम से ही तुरंत याद होना है। स्कॉर्चिंग वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए, आर्कटिक के लिए, ग्रासलैंड के लिए, राजस्थान के लिए, तो सबसे पहला आंसर जाएगा राजस्थान डेजर्ट में स्कॉर्चिंग बायोम आता है। जो गर्म झुलसते शब्द राजस्थान डेजर्ट के लिए यूज किया जाता है। परमा फॉरेस्ट, अब आपको बताना परमा फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हमने लगाया भी था, हमने कहा था जहां पर बर्फ जमी रहती है, जहां पर स्नोफॉल होता रहता है, परमा फॉरेस्ट बायोम कहाँ, राजस्थान डेजर्ट, ग्रासलैंड लिखा गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो कहोगे परमा फॉरेस्ट का पोलर रीजन के लिए बोला जाता है, तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। प्लीज बेटा एनसीईआरटी से में सब कुछ है, और एनसीईआरटी का ही बस हमसे गलती ये हो गई, हमने पेज नंबर नहीं लिखा, नहीं तुम पेज नंबर लिख के करा देते। तो बताइए परमा फॉरेस्ट बायोम कहाँ के लिए है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा के लिए है। अगला द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, जितने भी आपके यहाँ एबायोटिक फैक्टर हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर दिए गए, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो हम लोग बताते हैं टेम्परेचर को। हमने कहा था वेजिटेशन टाइप एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी मेनली डिपेंड ऑन, तो आपने कहा था टेम्परेचर, उसके बाद वाटर को माना जाता है, लेकिन मोस्ट इकोलॉजिकली रिलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर तो टेम्परेचर को माना जाता है। ये हमने आपको बताया भी है और वहाँ एनसीईआरटी की लाइन लिखा भी गया है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, टेम्परेचर इज पोलर रीजन इज सब जीरो टू फ्यू, लिखा इन समर, तो भैया टेम्परेचर इन पोलर रीजन इज सब जीरो टू फ्यू, सब जीरो से लेकर कुछ तक होता है पोलर रीजन में, अभी सही करके आ रही बात सही है। इन समर ट्रॉपिकल डेजर्ट में ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, समर के समय में ट्रॉपिकल डेजर्ट का, तो यस सही है। इन हाइड्रोथर्मल वेंट टेम्परेचर एक्सीड 100, यस हाइड्रोथर्मल वेंट का टेम्परेचर बढ़ करके 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये भी बात सही है। लिखा है मैंगो कैन नॉट ग्रो इन ट्रॉपिकल कंट्री, तो आप देख लीजिएगा ट्रॉपिकल कंट्री में ग्रो करता है, टेम्परेट कंट्री में मैंगो नहीं ग्रो करता, उसकी बात लिखा गया होगा, तो इसमें से इनकरेक्ट, अगर यहाँ टेम्परेट लिखा जाता तो सही हो जाता स्टेटमेंट भी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री में मैंगो ट्री ग्रो करता है लेकिन टेम्परेट कंट्री में नहीं ग्रो करता है, यहाँ क्या लिखा मैंगो कैन नॉट ग्रो इन ट्रॉपिकल कंट्री, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और आंसर फिर यही चला जाएगा, और इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है बोले इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका निकलेगा। मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन, मैंगो ट्री कहाँ नहीं पाया जाता, कनाडा में भी नहीं होता है, जर्मनी में भी नहीं होता है, तो और क्या लिखा है आंसर बोथ ऑफ द अबव, तो मोस्ट करेक्ट आंसर यही जाएगा बोथ ऑफ द, मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो, आप कहोगे तीनों पे टिक कर दिया,
तीनों पे, कनाडा में नहीं है, जर्मनी में नहीं, ये भी स्टेटमेंट से तीनों तीनों पे टिक कर दिया। हालांकि हमें यही करना चाहिए था, बोथ ऑफ द एबव। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड, कहाँ नहीं पाया जाता है? पोलर रीजन में, साउथ पोल, केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, लिखाया गया है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको ध्यान। टूना फिश आर रेयरली कॉट, मतलब पाई जाती है, बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन, एनसीईआरटी की लाइन है, पहला ही आंसर सही जाएगा। टूना फिश आर रेयरली कॉट, मतलब रेयरली पाई जाती है, पकड़ी जाती है कहाँ? बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट और थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस कर ले जाते हैं, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म टॉलरेट क्या कहलाते हैं? कॉल्ड यूरीथर्मल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल्स। लिखा अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल्स कहलाते हैं, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। The level of the thermal tolerance of different species determined to a NCERT की सीधी लाइन है कि वो aquatic, क्या thermal tolerance का जो level है वो ये decide करता है कोई aquatic में पाया जाएगा, केवल polar region में पाया जाएगा, इस माले geographical area में पाया जाएगा, कि जिसकी जितनी ज़्यादा thermal tolerance होगी वो उतनी ही ज़्यादा area में पाए जाने की उसकी ज़्यादा संभावना होगी। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा temperature wide range के temperature को face कर ले जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा area में पाए, चाहे कहीं का temperature बहुत ज़्यादा हो, चाहे कहीं का temperature कम हो, चाहे कहीं का moderate हो, तो हर जगह लगभग वो पा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइड रेंज के टेम्परेचर को फेस कर लेता है, तो लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आंसर जाएगा, ठीक है ना? इसकी बात हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ द, टेम्परेचर के बाद सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा इसमें से फैक्टर है जो लाइफ को प्रभावित करता है? तो क्या लिखा? वाटर। एकदम द साल्ट कंसेंट्रेशन मेजर्ड एज 70 इन, साल्ट कंसेंट्रेशन को जो मेजर किया जाता है वो पार्ट्स पर 1000 में, पार्ट्स पर 100 में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर यूनिट में, तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा पार्ट्स पर 1000 में किया जाता है। For the salt concentration, which of the following is correct? Salt concentration के लिए कौन सा standard? It is less than 5% land water. ये statement क्या है? सही है। It is 30-35% of sea water में होता है salt concentration, ये भी बात सही है। It is greater than 100% in some hypersaline lagoon में, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा? All the above. NCERT की लाइन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे इस चैप्टर से बनेगा जो अभी हमने पढ़ाया है उसके लिए हमने आपको एक करा दिया है, देख लीजिएगा। लिखा मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट एंड शर्ब्स, हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट एज हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर एडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली, तो क्या कहा गया? बड़े पेड़ के नीचे और लो लाइट की कंडीशन में, क्या लिखा? अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन, ठीक है ना, कि अगर उनको लाइट कम भी मिलती है तभी भी उसके लिए वो एडाप्टेशन कर देते। क्यों? क्योंकि लार्ज ट्री की कैनोपी बन जाती है, उनके नीचे वो पाए जाते हैं, तो उनको लाइट उनके कंपेयर में कम मिलती है, तो उसके बाद भी वो फोटोसिंथेसिस कर ले जाते हैं, इसके लिए एडाप्टेशन शो करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। आगे एमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनविट द सी विच इज लाइकली टू बी द फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, इनमें से सबसे डीपेस्ट वाटर में कौन पाया जाता है? तो आपको रेड है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये वाला आप लगाइए। थर्ड आंसर है ग्रीन ब्राउन, और उससे सबसे बाद में कौन जाएगा? रेड जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, वहां तो रेड पे हमने ठीक बताया था सबसे डीपेस्ट कौन, अब आपको सीक्वेंस भी पता लग गया, तो आप सीक्वेंस भी देखिए, रेड ब्राउन और ग्रीन ब्राउन और रेड, सबसे डीप में कौन होगा? रेड होगा, थर्ड आंसर जाएगा। पर्कुलेशन एंड वाटर, वाटर का रिसना एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय, सॉइल के किस नेचर पर डिपेंड करता है पर्कुलेशन, पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, या रिश्ता इसका जमीन के अंदर चला जाएगा, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी रुक जाएगा, ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय किस नेचर पर, सॉइल के कंपोजिशन पर, ग्रेन साइज पर, सॉइल के एग्रीगेशन पर, या किससे सॉइल मिलकर किस किस चीज से मिलकर बनी इस पर, तो सब पर यह बात डिपेंड करती है कि सॉइल का परकोलेशन कैसा होगा और कौन सी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी। ये सॉइल के कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है, ग्रेन साइज पर भी डिपेंड करता है, और सॉइल के एग्रीगेशन पर भी डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में है, इसको आप ध्यान दे रखिएगा।
लिखा है द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोसेस एज जो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जिस प्रोसेस के साथ मेंटेन करने की कोशिश करता है वो क्या कहलाता है होमियोस्टेसिस होमोथर्मल इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिस्पॉन्स तो क्या होमियोस्टेसिस कहलाता है अपने अंदर के अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है होमियोस्टेसिस कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा ये पूछा है लिखा द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट आ प्रोसेस कार्ड प्रोसेस क्या कहलाती होमियोस्टेसिस कहलाती इसको आप देख लीजिए आगे सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियोरल आल्सो मींस विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंजर्न आर कार्ड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होमियोस्टेसिस कर ले जाते हैं यानी अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाते हैं ऑस्मोटिक बॉडी के फ्लूड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करें वो क्या कहलाते हैं कार्ड क्या कहलाते हैं वो तो रेगुलेटर्स कन्फर्म माइग्रेटरी सस्पेंड तो क्या कहलाते हैं वो रेगुलेटर्स जो मेंटेन कर ले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं रेगुलेटर्स कहलाते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी के फ्लूड के कंसंट्रेशन को इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ऑल बर्ड एंड मैमल्स ऑफ A very few lower vertebrate and invertebrate all the above. तो आंसर इसमें क्या जाएगा all the above. क्यों जहां रेगुलेटर्स हैं जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें लिखी गई है कि उसमें बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि all bird and mammals are very few lower vertebrate and invertebrate ये सब thermoregulation और osmoregulation कर ले जाते हैं इसमें all answer जाएगा all the above. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely is archaic or in Sahara desert due to कहा कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो मैमल्स का सक्सेस हुआ चाहे वो आर्कटिक रीजन में हो यानी पोलर रीजन में भी वो रह लेता है और चाहे जहां बहुत ठंडी पड़ती है यानी आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन जहां बहुत ठंडी पड़ती है और सहारा जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो किस कारण से क्यों क्योंकि देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर क्यों क्योंकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेते मेंटेन कर ले जाती है अगर वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ना मेंटेन कर पाता तो क्या उसका हर जगह सर्वाइवल होता नहीं उसका हर जगह सर्वाइवल नहीं होता तो लिखा गया है इसी एबिलिटी के नाते वो चाहे अंटार्कटिका रीजन में हो चाहे सहारा डेजर्ट में हो हर जगह वो मैमल्स जो है लिखा गया सक्सेस हो कर ले गया अपने आप को क्यों क्योंकि अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर ले जाता है यानी रेगुलेटर्स की कैटेगरी में आता है वी मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर वैसे देखा जाए फारेनहाइट में तो 98.6 फारेनहाइट की बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री और वैसे 98.6 फारेनहाइट की बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्फर्मस देयर परसेंटेज 99% देखा ओवरवेलमिंगली मतलब बहुत ज्यादा लिखा है एनसीईआरटी में जहां कन्फर्मस उसकी पहली लाइन और ब्रैकेट में लिखा 99% आप देख लीजिएगा हमने आपको पढ़ाया है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कन्फर्मस देयर परसेंट कितना 99% इन एक्वेटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक दे आर कॉल्ड कहा गया है कि अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है या कोई यहाँ तो लिखा एक्वेटिक एनिमल है और उसके बॉडी का फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो रेगुलेटर्स कहलाए कन्फर्मस कहलाए कन्फर्मस की कैटेगरी में आएगा इसकी बात किया गया हीट लॉस और हीट गेन यहाँ होना चाहिए इज अ फंक्शन ऑफ किसके नाते सरफेस एरिया का काम है जहां बताया गया कि पोलर रीजन में छोटे जीव नहीं पाए जाते हैं पोलर रीजन में छोटे जीव क्यों नहीं पाए जाते क्यों कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनकी बॉडी के वॉल्यूम के कंपेयर में तो सरफेस एक तो छोटे जीव उनका सरफेस एरिया ज्यादा उनका वॉल्यूम कम तो पता लगा कि एनर्जी ज्यादा लॉस होने लगी और एनर्जी लॉस जब ज्यादा होगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगे इस नाते छोटे जीव जंतु ज्यादा पोलर एरिया में नहीं पाए जाते हैं तो पूछा गया हीट लॉस यहाँ होना चाहिए हीट गेन हीट लॉस और हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ तो कहोगे सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी वहां लिखा गया एनसीईआरटी में इसको भी आपको देखना है स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन बिकॉज ऑफ अब आप देखिए अभी वही क्वेश्चन करके आ रहे हो क्यों क्योंकि दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट एंड व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड यहां क्या लिखा स्मॉल एनिमल हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम भी बात सही है स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन बिकॉज स्मॉल एनिमल पोलर रीजन में बहुत कम देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि स्मॉल उनका सर्फेस एरिया ज्यादा होता है उनके वॉल्यूम के बात सही है
दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, ये भी बात सही है। आउटसाइड दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू हीट मेटाबोलिज्म, भी बात सही है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑल द एबव आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्मॉल एनिमल रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन बिकॉज, इसको आप पूरा पढ़िएगा, इसमें ऑल द एबव स्टेटमेंट जो लिखा गया ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। लिखा इफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, किसी भी जगह पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, माइग्रेट अवे टेम्पोरेरली, ठीक है, उस जगह से जहां स्ट्रेसफुल कंडीशन वहां से माइग्रेट कर जाएगा थोड़े समय के लिए, टेम्पोरेरली मतलब परमानेंट नहीं माइग्रेट किया, थोड़े टाइम के लिए, यस, या क्या सस्पेंड देयर लाइफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम टिल लास्टिंग, नहीं, क्या वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत बहुत लंबे समय तक के लिए सस्पेंड कर देगा, नहीं, लेकिन सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस, ये बात ज्यादा सही। क्या लिखा है, वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर लेगा अनफेवरेबल कंडीशन चल रही होगी, कब तक, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन चलेगी तब तक, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, भाई स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी थोड़े टाइम के लिए वो माइग्रेट कर जाएगा, टेम्पररी माइग्रेट कर जाएगा स्ट्रेसफुल जगह से, जहां कंडीशन खराब होगी वहां से थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो माइग्रेट कर जाएगा, और अपने मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड कर सकता थोड़े टाइम पीरियड के रोक सकता है, थोड़े टाइम पीरियड कहने का मतलब जब तक स्ट्रेसफुल कंडीशन चलेगी, तो स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड, बोथ आर क्या है, बोलो स्टेटमेंट करेक्ट। एवरी विंटर द फेमस केवलाडो नेशनल पार्क, कहाँ प्रेजेंट है, भरतपुर में इन राजस्थान, होस्ट का काम करता है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम, ये बर्ड कहाँ से आते हैं, ओनली फ्रॉम साइबेरिया, एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्दर्न रीजन, एक्सट्रीम हॉट, तो साइबेरिया से भी आती हैं और कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से भी आती है, फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी उसका फोर्थ आंसर जाएगा। देख लीजिए कि सब कुछ एनसीईआरटी में आपको पढ़ा दिया है, अब आप क्वेश्चन देखिएगा और फिर थ्योरी पढ़िएगा, कल हम आगे थ्योरी और पढ़ेंगे। बियर भालू गोइंग इन टू हाइबरनेशन, हाइबरनेशन किस किस स्लीप को बोला जाता है, किससे बचने के लिए कोई जीव जाता है, विंटर के लिए, हाइबरनेशन किसके लिए है, विंटर स्लीप को क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन, मैंने आपको बताया भी था और यहाँ क्वेश्चन मैंने फिर से पूछ लिया, हाइबरनेशन किसको बोलता है, विंटर स्लीप को बोला जाता है, आप देख लीजिए। देखा सम स्नेल एंड फिश गो इन टू एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए चले जाते हैं, और उसका एग्जांपल तो एनसीईआरटी में लिखा है स्नेल फिश, हमने वहां सांप बताया था हाइबरनेशन के लिए, और एस्टिवेशन के लिए स्नेल और क्या बताया फिश लिखा ही है, तो एस्टिवेशन मतलब किससे किसको अवॉइड करने के लिए, समर से रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, जब कोई अपने आप को छिपाता है या छुपता है तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैक्टॉन्स, अभी भी आ गया, जू प्लैक्टॉन्स स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड और नो टू इंटर, वो किस में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, लोकोमोट करते हैं, डाइपॉज कंडीशन में चले जाते हैं, किस कंडीशन में चले जाते हैं, तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि जू प्लैक्टॉन्स किस में जाते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन डाइपॉज, तो कहोगे डाइपॉज कंडीशन चले जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए 35 क्वेश्चन, और इसको आप देखिएगा जहां तक हमने पढ़ाया था वहां तक का हमने पूरा क्वेश्चन करा दिया है, और सब के सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं, अब ऐसे ही पढ़ाएंगे, जब एक पार्ट किसी भी चैप्टर का पढ़ा लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपको उतना पता लग जाए जितना हमको पढ़ाया है सर ने, उससे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब ऐसे ही काम होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं, टाइम खराब चल रहा मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हाँ दुआओं में ध्यान रखिएगा। थैंक यू।